सो है गाइस, सोशल मीडिया पर अभी एक खबर बहुत जमकर वायरल हो रही है। हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों का डिवोर्स हो चुका है। हार्दिक पांड्या ने अपनी 70% प्रॉपर्टी नताशा के नाम कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इसी बीच मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, नताशा ने भी अपने सरनेम हटा दिया है। हार्दिक पांड्या का जो सरनेम था वह नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा दिया है। इसी बीच फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए हैं। फैंस बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है और हार्दिक पांड्या ने अपनी 70% प्रॉपर्टी कर दी है नताशा के नाम। ऐसी खबर हर जगह पर वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह पर यही खबर वायरल हो रही है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रॉपर्टी नताशा के नाम कर दी है 70% और दोनों का डिवोर्स हो चुका है। पर गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा फोटो एक दूसरे के डिलीट कर दिए हैं। पर गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा अगर दोनों के बीच में होगा, डिवोर्स हो जाएगा, तो कोई ऑफिशियल अपडेट ये दोनों दे देंगे। इन दोनों की कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो उससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बाकी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, दोनों के बीच में अभी बातचीत काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। होप करता हूँ कि छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए।